नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। सिंह लग्न के बारे में पूरी जानकारी, उसके कारक मारक और ग्रह स्थितियों की जानकारी आज हम लोग समझने वाले हैं। सिंह लग्न उन लोगों का होता है जिनके प्रथम भाव में लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर की गिनती लिखी होती है, उनका सिंह लग्न होता है। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य होता है, यानी इनका लग्न सूर्य है और लग्न का स्वामी हमेशा सबसे पहला कारक ग्रह होता है, तो सूर्य सिंह लग्न में पहला कारक ग्रह है। सिंह लग्न में आप अगर पूरे कुंडली के एनालिसिस में देखना चाहें तो पहले भाव का स्वामी सूर्य होगा, दूसरे भाव का स्वामी बुध होगा, 6 नंबर की गिनती कन्या राशि बुध, तीसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है सिंह लग्न में, चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल होता है, पंचम भाव का स्वामी गुरु, छठे भाव का स्वामी शनि, सातवें भाव का भी स्वामी शनि होता है, आठवें भाव का स्वामी गुरु, नवम भाव का स्वामी मंगल, दसम भाव का स्वामी शुक्र, एकादश भाव का स्वामी बुध और द्वादश भाव का 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। कारक हम किसको बोलते हैं? लग्न के स्वामी को, पंचम के स्वामी को और नवम के स्वामी को हम कारक बोलते हैं। तो यहाँ पे कारक ग्रह कौन सा हो जाएगा? पहला सूर्य हो जाएगा कारक ग्रह, दूसरा कारक ग्रह हमारा गुरु हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पंचम भाव में गुरु की राशि है। तीसरा कारक ग्रह क्या हो जाएगा? मंगल। ये हमारे कारक ग्रह हुए। अब मारक भी हम डिसाइड कर लेते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी को और सप्तम भाव के स्वामी को मारक कहा जाता है। द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ पर कौन सा ग्रह है? बुध है। तो इस कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में मारक में कौन आ गया? बुध आ गया और सप्तम भाव के स्वामी शनि। द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी को मारक बोलते हैं। तो यहाँ पर बुध और शनि मारक है, लेकिन यही बुध जो है एकादश भाव का भी स्वामी है और यही शनि छठे भाव का भी स्वामी है। तो आपको एक सूत्र याद रखना है, एक तो होता है सामान्य मारक किसी भी कुंडली में और एक होता है प्रबल मारक जिसकी दशा अंतर दशा में हमें तकलीफ हो सकती है। इसी कुंडली में प्रबल मारक निकालना है। किसी भी लग्न की कुंडली हो उसमें आप द्वितीय भाव, मैं लिख दे रहा हूं अभी, आप तुरंत कैलकुलेट कर ले जाएंगे, तृतीय भाव, अष्टम भाव, सप्तम, अष्टम, एकादश और द्वादश, इन भावों में से कोई ग्रह अगर दो भावों का स्वामी है तो वह ग्रह उस लग्न के लिए प्रबल मारक होगा। कोई भी लग्न हो, मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, कुंभ हो, कोई भी लग्न हो, अगर आपको प्रबल मारक जानना है, कारक तो हमेशा लग्न पंचम और नवम रहेगा, ये फिक्स है, मारक में द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मारक होगा, लेकिन प्रबल मारक जानना है तो किसी भी लग्न की कुंडली में इन भावों के स्वामियों को नोट करिए। यहाँ द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध है, मैं नोट कर दे रहा हूँ, अभी रिजल्ट सामने आ जाएगा। तृतीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? शुक्र है। छठे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? शनि है। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है? शनि है। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है? गुरु है। एकादश भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है? बुध। और द्वादश भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। अब आपको इसमें यह देखना है कि क्या कोई ग्रह दो बार रिपीट हुआ है, यानी कोई ग्रह इन भावों में से दो भावों का स्वामी होगा तो वो प्रबल मारक है। यहाँ पे बुध रिपीट हुआ, बुध दूसरे भाव का स्वामी है और बुध जो है एकादश भाव का स्वामी है, यानी बुध रिपीट हुआ है तो आप बुध को नोट कर लीजिए। एक तो बुध प्रबल मारक हुआ, दूसरा
शनि भी दो बार रिपीट हुआ है, छठे और सातवें भाव का स्वामी है, छठे भाव और सातवें भाव का स्वामी शनि है, तो सिंह लग्न की कुंडली में बुध और शनि प्रबल मारक हो जाते हैं। ये चीज आप नोट कर लेंगे, बुध और शनि प्रबल मारक है। अब अगर बुध की महादशा हो और शनि की अंतरदशा आ जाए, या शनि की महादशा हो बुध की अंतरदशा आ जाए, तो उस समय में इस जातक को यानी सिंह लग्न वाले जातक को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्ट की प्राप्ति होती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप मारकेश को देखेंगे तो मारक ग्रह के बारे में अभी आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी लगन हो, सिद्धांत यही काम करता है। मारक ग्रह आपको कैसा कष्ट देगा? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक, इतने भागों में मैंने डिसाइड इसको वर्गीकरण किया हुआ है, क्लासिफिकेशन। मारक ग्रह इतनी चीजों में आपको तकलीफ देगा। अब अगर आपकी कुंडली में, आपने एक टर्म सुना है ज्योतिष में कि कोई ग्रह पीड़ित है, आपका बुध पीड़ित है, आपका सूर्य पीड़ित है, ऐसा बहुत बोला जाता है। अगर कोई ग्रह कुंडली में पीड़ित है, पीड़ित मतलब वह नीच राशि में हो, पूर्ण अस्त हो, 6, 8, 12 में हो और शत्रु राशि में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में ना हो, पाप कर्तरी में हो, क्रूर ग्रहों के साथ हो और क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्या करते हैं? पीड़ित करते हैं उस ग्रह को। जैसे इसी कुंडली में हम ले लेते हैं, मारक ग्रह कौन सा है? बुध है। प्रबल मारक हमें एक तो बुध मिला है और एक शनि मिला हुआ है, तो हम इसमें बुध को ले लेते हैं और बुध महाराज यहां पर बैठे हुए हैं। एक तो यहां पर बुध की स्थिति और दूसरी स्थिति हम बुध की ले लेते हैं, दशम भाव में ले लेते हैं। बुध मारक है, लेकिन जब बुध दशम भाव में बैठा हुआ है और जब अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो दोनों स्थितियों में अंतर है। बुध यहां पर दशम में बैठा है, मारक तो है, लेकिन ये अभी पीड़ित नहीं है, क्योंकि ये अपने मित्र के घर में बैठा है, राशि अच्छी मिली है और भाव भी अच्छा मिला है, दशम भाव में बैठा हुआ है। लेकिन खराब भाव कौन से हैं? 6, 8 और 12। अब यहाँ पे बुध जो है ये आ गया है बुरे भाव में, अष्टम भाव में गया, एक तो भाव भी नहीं अच्छा है, दूसरा ऊपर से ये नीच का भी है, तो अब जो बुध यहाँ पर जितना पीड़ित है यहाँ पर ये पीड़ित नहीं है। जब कोई भी मारकेश, यहाँ पे हमें बुध शनि मिला और हमने इंटरप्रिटेशन में देखा, अगर बुध की महादशा हो और उसके अंदर अंतरदशा किसकी हो? शनि की, या शनि की महादशा हो, अंतरदशा किसकी हो? बुध की, तो सिंह लग्न के लिए नुकसान देगा, शारीरिक देगा, मानसिक देगा, सामाजिक देगा, आर्थिक देगा, क्या देगा यही हमें पता करना है। देखिए, यहाँ पर जब बुध मारक है तो बुध यहाँ पे पीड़ित नहीं है, तो जब बुध की दशा आएगी तो सिर्फ शारीरिक समस्याएं कुछ देगा, बहुत अधिक वो भी नहीं देगा क्योंकि बहुत पीड़ित नहीं है। बुध यहाँ पे शारीरिक समस्याएं देगा। अगर मारकेश कुंडली में पीड़ित है, यानी उसकी प्लेसमेंट बुरी है, राशि बुरी है, ग्रहों का साथ बुरा मिला है, दृष्टि बुरी है उसकी, तब ऐसा मारकेश आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों रूपों से परेशान करेगा। एक लोग, मान लीजिए कोई जातक है, कोई एक लोग हैं, वो आपसे संपर्क किए, आपने कुंडली देखी, उन्होंने आपको अपना विवरण दिया, बिजनेस अच्छा चल रहा था, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा लोन ले लिए, पार्टनरशिप में नया काम शुरू किया, बिजनेस बढ़ाने लगे, कुछ पार्टनर्स ने फ्रॉड किया, धन डूब गया और वह बिजनेस भी नहीं चला। अब यहाँ पे जब धन डूब गया, बैंक वाले अब परेशान करेंगे, अब मानसिक कष्ट शुरू होगा, अब मानसिक कष्ट, ज़्यादा तनाव टेंशन लेने से फिर वो किसी न किसी रूप में रोग भी बनेगा, बैंक वालों ने जो है पैसा ना मिलने के कारण से इनका घर वगैरह गिरवी रखा था, घर की नीलामी शुरू कर दिए, अब घर किसी का नीलाम हो गया तो समाज में अप्रतिष्ठा हुई ना कि अरे इनका घर, और आर्थिक रूप से परेशानी पहले हुई, और अगर कोई केस वगैरह हो गया, कोई केस बन गया लीगल इलीगल, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ से भी शारीरिक कष्ट मिल गया कुछ ना कुछ,
जो सुख भोग रहे थे अब जेल में बैठे हुए हैं, मानसिक प्रताड़ना तो हुई ही। तो जब भी कोई मार्केश कुंडली में पीड़ित होता है, यानी कोई भी ग्रह अगर पीड़ित है, वह स्वयं दुखी है, तो उसकी दशा अंतर दशा भी आपको दुखी ही करेगी। वहीं अगर वह ग्रह अच्छी स्थिति में है, पीड़ित नहीं है, तो उसकी दशा अंतर दशा में शारीरिक कष्ट तो आपको मिल सकता है, हो सकता है थोड़ा मानसिक सामाजिक आर्थिक परेशानी हो, लेकिन आपकी स्थिति बिगड़ेगी नहीं कि आप डूब जाएं, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पीड़ित है अगर मार्केश, तो मार्ग को एक्सप्लेन करने के लिए आप मेरे ये चारों सूत्र याद करिएगा। मार्ग का अर्थ व्यापक अर्थ में लीजिए। कोई ग्रह मार्केश है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको ही मारेगा। शरीर को क्या क्या चाहिए, लग्न का क्या क्या है, लग्न मतलब लग्न का ही मार्केश होता है। कोई भी ग्रह मार्केश होता है तो किसका, लग्न का। लग्न से शरीर हो गई तो शरीर को कष्ट देगा, और इसी हमारे शरीर का यानी हमारा लग्न से ही हम किस चीज का विचार करते हैं, आत्मा का। हमारी पूरी बॉडी, चाहे बाहरी भाग है चाहे भीतरी भाग है, विजिबल पार्ट एंड इनविजिबल पार्ट, मन आत्मा, ये सब इनविजिबल पार्ट है, उन सब को कष्ट देता है। तो क्या होगा कि मारक हमेशा शरीर को ही नहीं मारेगा, आपके मन को मार सकता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को मार सकता है, आपके अर्थ को, धन को मार सकता है, हो सकता है सभी पे प्रभाव डाले और किसी एक पे प्रभाव डाले। जब मारक पीड़ित नहीं होगा तो शारीरिक कष्ट दे के छोड़ देगा आपका, और सब कुछ बना रहेगा, चलता रहेगा, या कभी सामाजिक कष्ट दे देगा, या कभी आर्थिक दे देगा, या इनमें से दो तीन का देगा, सबका देगा, थोड़ा थोड़ा कर देगा, बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन अगर जिस ग्रह की दशा है, जो मारक है, अगर वह पीड़ित है तो वह जीवन से सब कुछ छीन सकता है, वह सब कुछ बिगाड़ देने की क्षमता रखता है। तो सिंह लगन में शनि और बुध अगर कुंडली में बिगड़े हुए हैं, तो जब जब उनकी दशांतर दशा आएगी, तब तब आपके लिए समय बुरा हो जाएगा। अब इस कुंडली में जैसे मैंने प्रबल मारक तो बता दिया, अब एक होता है परम कारक। सिंह लगन के लिए परम कारक ग्रह कौन सा है, हमें ये डिसाइड करना है। कोई भी लगन हो, अगर कोई ग्रह एक केंद्र का स्वामी हो, किसी एक केंद्र का स्वामी हो और किसी एक त्रिकोण का स्वामी हो, तो वह परम कारक हो जाता है। यहाँ पे एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी, वृश्चिक राशि और मेष राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, मंगल। तो सिंह लगन में परम कारक ग्रह कौन सा होता है, मंगल। अच्छा, इसको परम कारक नहीं बोलते हैं, परम योग कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम योग कारक है, ना कि कारक है, याद रखिएगा, कारक ग्रह नहीं, परम योग कारक। योग मतलब क्या होता है, जोड़, किसी के साथ जुड़ना, योग को क्या बोलते हैं, जुड़ना। अब ये मंगल जो है, जो परम योग कारक है, जब राजयोग बनाएगा तो परम योग कारक हो जाएगा, यानी इस लगन में मंगल से के द्वारा प्रबल राजयोग बनता है। राजयोग कब बनेगा इसे जान लीजिए, हर लगन में यही सूत्र चलेगा, हमेशा मैं इसी चीज को रिपीट करता आ रहा हूं। जो आपका कारक ग्रह है, कारक में सिंह लगन में एक तो सूर्य आया, परम कारक में कौन सा आ गया, मंगल आ गया, और फिर एक ग्रह कौन सा मिला, हमें गुरु मिला। इसमें सबसे ज्यादा शुभ कौन सा है, मंगल है, लग्नेश तो शुभ है ही। राजयोग कब बनता है, किसी भी लगन में कोई भी जो कारक ग्रह आया है, तीन कारक ग्रह आपको जो मिले, लगन पंचम और नवम का स्वामी जो भी ग्रह मिला हुआ है, अगर वह ग्रह युति करे, किसके साथ युति करे, युति को ही योग बोलते हैं। राजयोग किसी भी कुंडली का सूत्र में आपको समझा रहा हूं, जो योग कारक ग्रह मिले, अगर वे ग्रह किसी केंद्र के स्वामी के साथ या किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ योग करें, यानी युति करें, तो राजयोग होता है। यहाँ पे हमें तीन ग्रह सूर्य मंगल गुरु मिले हैं। सूर्य किसका हो गया, त्रिकोण का हो गया, लगन को हम त्रिकोण मानते हैं, लगन को केंद्र भी मानते हैं, इसीलिए लगन केंद्र त्रिकोण हो करके परम कारक हो जाता है। अब सूर्य का संबंध किससे बने, ध्यान से समझिए मेरी बात को, सूर्य का संबंध, जो हमारा कारक ग्रह आया उसका संबंध बने केंद्र,
यानी पहले भाव, दशम भाव, सप्तम भाव और चतुर्थ भाव, इनको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। हमारे कारक ग्रह का संबंध केंद्र के स्वामी के साथ या त्रिकोण के स्वामी के साथ बने तो राजयोग होता है। इस राजयोग में भी कई चीजें हैं, अभी आगे आपको समझ में आएगा। पहले आप इसे समझिए, यहाँ पे हम पहले कारक सूर्य को लेते हैं। अब अगर इस सूर्य का संबंध मंगल से बन गया, क्योंकि ये कारक है और ये क्या है, केंद्र स्थान का और त्रिकोण स्थान का स्वामी मंगल है, तो सूर्य का संबंध इस कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में राजयोग कब बनेगा? जब सूर्य और मंगल का संबंध बने, सूर्य और मंगल का संबंध, ये पहला हुआ। दूसरा, इसी सूर्य का संबंध गुरु से बने, क्योंकि सूर्य लग्न है, एक कारक ग्रह है और दूसरा कारक ग्रह क्या है, गुरु है, पंचम भाव का स्वामी, तो गुरु से संबंध बने। अगला, इसी सूर्य का संबंध दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी से बने। सूर्य का संबंध बन गया किसके साथ? शुक्र के साथ। जितने कॉम्बिनेशन है मैं सब बता रहा हूं, अभी देख फिर बताऊंगा कि इसमें से कुछ राजयोग कट जाएंगे। सूर्य का संबंध शनि के साथ, शनि के साथ क्यों? क्योंकि शनि भी केंद्र का स्वामी है। आगे, जिस प्रकार से हमने सूर्य का संबंध इन ग्रहों के साथ लिया, उसी प्रकार से मंगल का भी संबंध ले सकते हैं। मंगल का संबंध, क्योंकि मंगल भी तो कारक ग्रह है, मंगल का संबंध सूर्य से, जो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया सूर्य मंगल के संबंध में, मंगल का संबंध गुरु से, मंगल का संबंध किससे हो जाए? गुरु से। मंगल कारक है, इसका संबंध किससे हो जाए? दो केंद्र और बचे, शनि के साथ और शुक्र के साथ। मंगल का संबंध शनि से बन जाए, मंगल का संबंध शुक्र से बन जाए, यानी जो हमारे तीन कारक ग्रह मिले हैं उनका संबंध किसी केंद्र भाव के स्वामी के साथ या किसी त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ बने तो राजयोग होता है। मंगल हो गया, इसी प्रकार से गुरु का संबंध किसके साथ बने? इस लगन में गुरु का संबंध बन जाए सूर्य के साथ, जो ऑलरेडी यहां पर हो चुका है, तो गुरु का संबंध मंगल के साथ वो भी ऑलरेडी हो चुका है। अब गुरु के साथ शुक्र हो जाए, गुरु के साथ शनि हो जाए, क्योंकि गुरु क्या है? गुरु त्रिकोण का स्वामी हुआ। देखिए, गुरु त्रिकोण का स्वामी है, शनि केंद्र का है, शुक्र केंद्र का है, यानी जो हमारे तीन कारक ग्रह हैं अगर वे किसी भी प्रकार से हमारी कुंडली के किसी केंद्र के स्वामी के साथ या किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ युति में हो, दृष्टि संबंध में हो, राशि परिवर्तन में हो, तो राजयोग देते हैं। अब इतने एक लगन में इतने ग्रहों के संबंध से राजयोग निकला है, लेकिन अब यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी, क्या सिंह लग्न में सूर्य और मंगल से जो राजयोग बनेगा वही राजयोग सूर्य और शुक्र के भी संबंध से बन रहा है? ये हमें समझना पड़ेगा। तो इस लगन में जो प्रबल राजयोग बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसके लिए एक सूत्र और समझिए। अभी मैंने आपको बताया कि दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, ग्यारहवां और बारहवां भाव का जो इनमें से दो भावों का स्वामी होगा वो क्या होगा? मारक होगा। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी ग्रह योग कारक ग्रह, जो हमारे तीन कारक ग्रह आए हैं उनसे संबंध करे, परंतु वह ग्रह कुंडली में तीसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव का स्वामी नहीं होगा, तभी राजयोग बनेगा। सूत्र नोट कर लीजिए आप लोग। मारक में जैसे दो मैंने बताया, उसी प्रकार से अब आप नोट करिए, अगर कोई ग्रह कुंडली में तीसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव का स्वामी है और वही ग्रह कहीं केंद्र का भी स्वामी है, तब वह जब योग कारक के साथ युति करेगा तो राजयोग नहीं देगा। अब इस नियम को यहां पे अप्लाई करिए। अब इस नियम में सूर्य और शुक्र की युति डैमेज होगी, क्योंकि शुक्र क्या है? तीसरे भाव का भी स्वामी है। यहीं पर आप सूर्य और शनि का राजयोग खंडित होगा, क्योंकि शनि जो है छठे भाव का स्वामी है।
जो हमें केंद्र में दो ग्रह मिले हुए हैं, यानी इस कुंडली में अब सूर्य और शुक्र की युति जो होगी यह राजयोग नहीं बनाएगी। सूर्य और शनि की युति, जहाँ जहाँ हमें शुक्र और शनि मिला है, वो राजयोग से बाहर हो जाएगा। ये यहाँ पे मिला हुआ, ये बाहर हो जाएगा। यानी कि जब हम अपने कारक, तीन कारक ग्रहों को योग में देखें, तो सिर्फ उसी केंद्र के स्वामी को लें जो छः, जो तीसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव और एकादश द्वादश भाव का स्वामी ना हो, वही राजयोग बनाएगा। अब जैसे सूर्य के साथ मंगल आया, तो मंगल जो है चतुर्थ का और नवम का स्वामी है, मंगल जो है केंद्र का स्वामी है, ये त्रिकोण है, त्रिकोण का संबंध हम केंद्र से जोड़ रहे हैं, तो जो मंगल इस केंद्र का स्वामी है वो तीसरे, छठे, आठवें, ग्यारहवें और बारहवें भाव का स्वामी नहीं बन रहा है। तो इसलिए ये राजयोग इस कुंडली में बन गया। किस प्रकार से बना ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और कब राजयोग नहीं बनेगा ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। इसी कुंडली में मंगल और शनि की युति राजयोग नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? मंगल तो कारक ग्रह है और शनि, मंगल कारक ग्रह कैसे है, मान लिया मंगल का त्रिकोण का स्वामी है और शनि केंद्र का है, जब भी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी का संबंध होता है तो राजयोग होता है। तो मंगल तो त्रिकोण हो गया, त्रिकोण के नाते ले रहे हैं, लेकिन शनि केंद्र का स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव का भी स्वामी है, इसलिए मंगल और शनि की युति से यहाँ राजयोग नहीं बन रहा है। अब मान लीजिए राजयोग प्रबल कब होगा? अब इस कुंडली से एकदम स्पष्ट हो गया सूर्य की युति, यानी सूर्य, मंगल, गुरु, सूर्य, मंगल और गुरु का कहीं भी संबंध बनेगा तो राजयोग बनेगा। अगर ये संबंध कहीं केंद्र स्थान में बन रहा है, ये संबंध कहीं केंद्र में बना और त्रिकोण में बना है, तो ये राजयोग है। अगर ये संबंध धन से संबंधित भावों में बन गया, द्वितीय भाव और एकादश भाव में, तो इसे राजयोग के बजाय आप उत्तम धन योग समझिए। अगर यही संबंध छठे, आठवें और बारहवें भाव में बना है, तो बहुत निम्न निम्न धन योग बनेगा, यानी अच्छा तो होगा लेकिन उसमें अच्छा फल देने की क्षमता बहुत कम रहेगी। तृतीय भाव में बनेगा तो हमारे परिश्रम पर निर्भर करेगा कि हम कितना धन उस योग से कमा सकते हैं। तो सिंह लगन में मारक भी मैंने बताया और आपको कारक भी बताया। अब इसी सिंह लगन में, सिंह लगन स्थिर लगन होता है, सिंह लगन स्थिर लगन है, चर लगन में बाधक ग्रह कौन सा होता है? एकादश भाव का स्वामी। स्थिर में कौन सा होता है? नवम भाव का स्वामी। द्विस्वभाव में सप्तम भाव का स्वामी। तो सिंह लगन में नवम भाव का स्वामी मंगल बाधक भी होगा। अभी हमने इसको कारक में भी काउंट किया और अब ये बाधक में भी आ रहा है, तो कैसे ये संभव है? देखिए, कोई किसी भी लगन में बाधक कोई ग्रह तभी होगा, बाधक का फल वो तब देगा जब वह नीच राशि में हो। ऐसे में मंगल को बाधक कंसीडर करके उसका दान जप करेंगे, ना कि कारक मान के। नीच का हो, 6, 8 और 12 में बैठा हो, नीच ग्रह के साथ हो, बाधक ग्रह बाधक का प्रभाव, किस कोई भी लगन हो, बाधक ग्रह बाधक का प्रभाव तभी देगा जब वह पूर्ण रूप से नीच हो, नीच भंग ना हुआ हो, 6, 8, 12 में पीड़ित हो, नीच ग्रह के साथ हो या फिर मांदी के साथ हो। ऐसा ग्रह किसके साथ हो? मांदी, जिसको गुलिक बोलते हैं, गुलिक के साथ हो तो बाधक का काम करेगा। अब यहाँ पर मंगल बैठा है, अब मंगल बिल्कुल भी बाधक नहीं है, मंगल यहाँ पे हो गया, अब मंगल इस लगन के लिए बाधक का रोल पूर्ण रूप से करेगा, क्योंकि नीच का भी हो गया, बारहवें भाव का भी हो गया, तो पीड़ित होता चला गया है। इस लगन के लोग, सिंह लगन है तो इसलिए इस लगन के लोग जो होते हैं राजसी स्वभाव के होते हैं, यानी ये लोगों पे शासन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सिंह लगन के लोग आदेश देना पसंद करते हैं, आदेश लेना कम पसंद करते हैं। सिंह लगन के लोग निर्भीक होते हैं, स्ट्रगल करने वाले होते हैं, परिश्रम से घबराते नहीं हैं और इनके अंदर नेतृत्व करने की
क्षमता भी होती है। सिंह लगन में सूर्य अगर कमजोर होगा तो कितने भी अच्छे राजयोग बनेंगे उनका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि लग्नेश बलवान होना चाहिए, लग्न बलवान होना चाहिए। इस लगन में हम स्टोन मंगल का पहन सकते हैं, सूर्य का पहन सकते हैं और गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। सिंह लगन के लिए बुध और शनि का स्टोन नहीं पहना जा सकता, बुध और शनि का स्टोन नुकसान करता है, ज़्यादा नुकसान करता है। अब समय और परिस्थिति और उस जातक की समस्या देख करके पन्ना तो कभी पहनने की सलाह दे सकते हैं उसके त्वरित लाभ के लिए परिस्थितियों को देख के, लेकिन सिंह लगन के लिए शनि का स्टोन नीलम कभी नहीं पहना सकते। और जहाँ तक शुक्र के स्टोन का सवाल है तो ये भी उसकी समस्या और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि क्या कुछ समय तक ओपल या डायमंड दे सकते हैं, पन्ना भी कुछ समय तक दे सकते हैं, लेकिन शनि का स्टोन नहीं दिया जाएगा। मंगल का स्टोन दिया जाएगा, सूर्य का दिया जा सकता है और गुरु का दिया जा सकता है। चंद्रमा का भी स्टोन नहीं दे सकते, चंद्रमा के लिए दान ही उचित रहेगा, जप ही उचित रहेगा। तो ये सिंह लगन में कारक मारक और ग्रहों की प्लेसमेंट के बारे में बताया। पिछले जो है लेशन में या पिछले वीडियोस में आपने ग्रहों के जो चार प्रकार के संबंध होते हैं, क्योंकि संबंध से ही ग्रहों के राजयोग और दुर्योग बनता है, तो उन चार संबंधों के बारे में आपको पहले से बताया जा चुका है।